खबरों में बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां घटना चेतगंज इलाके के काली महाल की है, जहां बदमाशों ने कर्मकांड करवाने वाले गद्दी संचालक की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियां मारी हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा है। एक आदमी बैठो, चेतगंज का सिपाही कौन है? हम छीना चले छीना और चेतगंज थाना अंतर्गत कृष्ण कुमार उपाध्याय ये यहाँ पे रहते हैं और एक ही मकान में इनके भाई सामने रहते हैं, जो एक ही मकान का पार्ट है उसी में सामने रहते हैं। अभी तक जो जांच की है उसमें ये सामने आ रहा है कि एक दो विवाद इनके आपस में चल रहे थे। विषाद मोचन में ये जो काम करते थे उसमें कुछ जो इनका धार्मिक कार्य वगैरह कराते थे उस संबंध में भी ये भाई के साथ कुछ विवाद प्रचलित था और मकान का भी कुछ बंटवारे संबंधी विवाद प्रचलित था और उसी विवाद को चलते आज ये घटना होना बताया जा रहा है। अभी पूरी जानकारी की जा रही है और घटना के संबंध में प्रथम सूचना दर रिपोर्ट प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये क्या जो बताया जा रहा है, ये भाई, छोटा भाई खुद यहाँ आके ये गोलीबारी किया है और इस तरह की वारदात? ये मकान में आमने सामने रहते हैं, दो तीन कमरों में सामने की तरफ जो है राजेंद्र उपाध्याय रहते हैं और कृष्ण कुमार उपाध्याय बगल वाले दो तीन कमरों में रहते हैं, तो आसी पास में रहते हैं और कहा सुनी की भी बातें पहले भी आई है सामने। यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने उनका समाधान भी किया था, कई बार पंचायत करके उनका आपसी समझौता भी कराया गया था। आज और क्या क्या घटनाक्रम रहा उसके बारे में